Yesterday we have studied about the meaning of partnership and its definition according to the Indian Partnership Act 1932. Now we'll discuss about its main characteristics. The main characteristics of partnership business are: number one, there are two or more persons in partnership. दो या दो से अधिक लोगों के बीच में पार्टनरशिप होती है, सिंगल व्यक्ति के बीच में कोई पार्टनरशिप नहीं होती. सेकेंड, अग्रीमेंट. देयर मस्ट बी अ म्यूचुअल अग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स. पार्टनर्स के बीच में एक अग्रीमेंट होना चाहिए. पार्टनरशिप ऑलवेज स्टार्ट्स विद एन अग्रीमेंट. नेक्स्ट इज लीगल बिजनेस. द बिजनेस मस्ट बी लीगल. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन. द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट. प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट जरूर होना चाहिए पार्टनर्स के बीच में. नेक्स्ट इज एजेंसी रिलेशनशिप. यू कैन से दैट एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द फर्म. हर एक पार्टनर अपनी फर्म का एजेंट होता है. नेक्स्ट, अनलिमिटेड लाइबिलिटी. दिस कैरेक्टरिस्टिक यू हैव ऑल्सो स्टडीड इट इन द सोल ट्रेडरशिप. ये सोल ट्रेडरशिप की भी कैरेक्टरिस्टिक होती है. इन केस ऑफ कंटिन्यूअस लॉस, लॉस होने की स्थिति में द पार्टनर्स पर्सनल प्रॉपर्टी कैन ऑल्सो बी यूज टू पे ऑफ द क्रेडिटर्स. पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी भी उपयोग की जा सकती है या बेची जा सकती है लॉस होने की कंडीशन में. नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ शेयर. एनी पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर हिज शेयर टू अनदर पर्सन और पार्टनर. कोई भी पार्टनर अपने हिस्से का प्रॉफिट किसी दूसरे पर्सन या पार्टनर को शेयर नहीं कर सकता. एंड रजिस्ट्रेशन, ऑलवेज रिमेम्बर, ये एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी बनता है आपका. रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप इज ब्लैंक. तो द करेक्ट आंसर इज द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज ऑप्शनल. रजिस्ट्रेशन जो होता है पार्टनरशिप का, दैट इज नॉट कंपलसरी. वो कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल होता है. आप चाहें तो करवाएं, ना चाहें तो ना करवाएं. लेकिन यदि आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो बाद में आप कोर्ट नहीं जा सकेंगे. इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, यदि कोई डिस्प्यूट होता है तो यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट फॉर हेल्प. तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए अपने, टू और मोर persons, दो या दो से अधिक व्यक्ति होना चाहिए. सेकेंड, एजेंसी रिलेशनशिप, हर एक पार्टनर अपनी फर्म का एजेंट होता है. थर्ड, लीगल बिजनेस, द बिजनेस मस्ट बी लीगल. नेक्स्ट, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन इज मस्ट. प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. नेक्स्ट, एजेंसी रिलेशनशिप, पार्टनर्स और उनकी फर्म के बीच में एजेंसी की रिलेशनशिप होती है. अनलिमिटेड लाइबिलिटी, पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज की जा सकती है कंटिन्यूअस लॉस के टाइम पर. ट्रांसफर ऑफ शेयर, कोई भी पार्टनर अपने हिस्से का प्रॉफिट किसी दूसरे पर्सन या पार्टनर को ट्रांसफर नहीं कर सकता. एंड रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन जो होता है पार्टनरशिप का वो ऑप्शनल होता है. द नेक्स्ट टॉपिक इज पार्टनरशिप डीड. डीड कुछ नहीं होती, एक अग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में. जो अग्रीमेंट होता है उसको ही हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं. अभी मैंने कहा कि पार्टनरशिप ऑलवेज स्टार्ट्स विद एन अग्रीमेंट. पार्टनरशिप हमेशा अग्रीमेंट से स्टार्ट होती है और इसी अग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं. दिस अग्रीमेंट में भी रिटन और ओरल, ये रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, यानी लिखित भी हो सकता है और मौखिक अग्रीमेंट भी हो सकता है. लेकिन इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट ऑलवेज अ रिटन अग्रीमेंट इज कंसिडर्ड बेटर. लेकिन हमेशा किसी भी डिस्प्यूट की स्थिति में लिखित अग्रीमेंट को सही समझा जाता है. जो लिखित अग्रीमेंट होता है उस पर स्टैंप लगा होता है और इसी अग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज मेन कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड. ये जो अग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, उसमें लिखा क्या जाता है. तो इट कंटेन्स ऑल द डिटेल्स अबाउट द पार्टनरशिप. इसमें पार्टनरशिप की सारी डिटेल्स आती हैं, वो बहुत सारी हैं, लेकिन फिर भी कुछ मेन टॉपिक्स हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. जैसे सबसे पहला इसमें लिखा जाएगा नेम ऑफ द फर्म. आपके फर्म की नाम इसमें होना चाहिए. एड्रेस ऑफ द फर्म, आपके फर्म का रजिस्टर्ड एड्रेस इसमें होना चाहिए. नेक्स्ट इज एरिया ऑफ बिजनेस, किस एरिया में आप बिजनेस कर रहे हैं वो एरिया यहाँ पर डिफाइन होने चाहिए.
एक स्टेट में कर रहे हैं या मोर देन वन स्टेट में कर रहे हैं, ये बिल्कुल क्लियर आपके पार्टनरशिप अग्रीमेंट यानी कि डीड में लिखा होना चाहिए। नेक्स्ट इज नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स। डीड में ये भी लिखा होना चाहिए हर एक पार्टनर का रजिस्टर्ड एड्रेस और उसका नाम, ये भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, द डीड मस्ट ऑल्सो कंटेन द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई ईच पार्टनर। डीड में अग्रीमेंट में ये भी लिखा होना चाहिए कि हर एक पार्टनर ने कितनी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट की है। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, द डीड मस्ट क्लियरली मेंशन अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। प्रॉफिट एंड लॉस को किस रेशियो में बांटा जाएगा ये भी आपके अग्रीमेंट में क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट इज सैलरीज एंड कमीशन। इफ एनी पार्टनर डज एक्स्ट्रा वर्क फॉर द बिजनेस, यदि कोई पार्टनर कोई एक्स्ट्रा काम कर रहा है बिजनेस के लिए तो क्या उसको सैलरी देना है या कमीशन देना है उसके प्रॉफिट के अलावा, यदि देना है तो कितना देना है, ये भी क्लियरली आपके अग्रीमेंट में होना चाहिए। ये सब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर बाद पे चल के डिस्प्यूट हो सकता है, तो ये आप क्लियरली डीड में अग्रीमेंट में पहले ही मेंशन कर दें तो ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट टॉपिक इज, दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, द रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। यदि पार्टनर्स के बीच में कोई अग्रीमेंट नहीं बनाया जाता, कोई डीड नहीं बनाई जाती, तब क्या होगा, तब अगर डिस्प्यूट होगा तो तब क्या होगा। When there is no agreement or deed between the partners, the rules given in the Indian Partnership Act 1932 apply. तो वो नियम फॉलो किए जाएंगे जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दिए गए। तो कुछ उसमें से जो कॉमन, जो आपको याद होने ही चाहिए, कुछ रूल्स जो जब फॉलो किए जाते हैं जब अग्रीमेंट नहीं होता, उसमें सबसे फर्स्ट पहला रूल तो आप ये याद रखिए, एवरी पार्टनर कैन टेक एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म्स बिजनेस। हर एक पार्टनर फर्म के बिजनेस के मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है। सेकेंड पॉइंट, द प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली अमंग ऑल द पार्टनर्स इफ देयर इज नो अग्रीमेंट। यदि अग्रीमेंट नहीं है तो जितना भी प्रॉफिट होगा उसको इक्वली बांटा जाएगा सभी पार्टनर्स के बीच में, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट वेदर अ पार्टनर हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल और लेस कैपिटल। उससे कोई मतलब नहीं है कि किसी पार्टनर की कैपिटल ज्यादा थी या कम थी। यदि प्रॉफिट होगा तो दैट विल बी शेयर्ड इक्वली इन केस ऑफ नो अग्रीमेंट। देन सैलरी एंड कमीशन, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, यदि डीड नहीं है तो नो सैलरी और कमीशन इज गिवन टू एनी पार्टनर फॉर हिज एक्स्ट्रा वर्क। यदि कोई पार्टनर एक्स्ट्रा काम करता है तो उसे उसके एक्स्ट्रा काम के लिए कोई सैलरी और कमीशन नहीं दिया जाएगा अग्रीमेंट ना होने की स्थिति में। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन लोन, यदि मुसीबत के समय किसी पार्टनर ने बिजनेस को, फर्म को लोन दिया है तो उसे उसके लोन का पैसा तो हम वापस करेंगे ही, साथ ही साथ में हम उसे उसके लोन पर इंटरेस्ट भी देंगे, लेकिन वो इंटरेस्ट का रेट होगा 6% पर एनम। इफ एनी पार्टनर हैज गिवन लोन टू द फर्म, ही शैल बी पेड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। पर एनम जरूर लिखें। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स, कैपिटल पर इंटरेस्ट और ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट, ये दोनों अपोजिट चीजें हैं। कैपिटल पार्टनर्स देते हैं बिजनेस को तो बिजनेस उन्हें उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट देगा, जबकि ड्रॉइंग्स मींस यदि पार्टनर बिजनेस से कुछ पैसा लेते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए तो उसको हम ड्रॉइंग्स कहते हैं। तो यहां पर पार्टनर्स बिजनेस को इंटरेस्ट देंगे इन केस ऑफ देयर इज नो अग्रीमेंट, यदि अग्रीमेंट नहीं है, नो इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन कैपिटल, कैपिटल पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा, एंड नो इंटरेस्ट शैल बी चार्ज्ड ऑन ड्रॉइंग्स, और ड्रॉइंग्स पर कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ द फर्म, इन केस देयर इज नो अग्रीमेंट, यदि अग्रीमेंट नहीं है
एनी पार्टनर कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ द फर्म, हर एक पार्टनर फर्म की अकाउंट्स बुक को इंस्पेक्ट यानी कि चेक कर सकता है एंड टेक अ कॉपी ऑफ इट, और उसकी फोटो कॉपी भी ले सकता है। हर एक पार्टनर के पास ये अधिकार होगा कि वो फर्म की अकाउंट्स की बुक को चेक करे और उसकी एक कॉपी भी ले। एंड एक और पॉइंट, लास्ट पॉइंट कह सकते हैं आप इसको, फर्म्स असेट, फर्म के जो असेट हैं, संपत्तियां हैं, दैट शुड बी यूज फॉर ओनली बिजनेस पर्पस, केवल बिजनेस पर्पस के लिए ही आप उसको यूज करेंगे, पर्सनल यूज में नहीं ले सकते आप बिजनेस के असेट्स को। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज गिवन, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, दिस अकाउंट इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक एक्सटेंशन है। अभी तक जो आपने पढ़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो सोल ट्रेडर का था, उसमें जो भी प्रॉफिट या लॉस होता था वो एक ही ट्रेडर को होता था, लेकिन यहां पर हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, मतलब जितना भी प्रॉफिट होगा उसको डिवाइड करना पड़ेगा हमें सभी पार्टनर्स के बीच में। इस प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं, उसको हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर्मेट ऑफ पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज इजी, पर्टिकुलर्स अमाउंट डिवाइडेड टू पार्ट्स, लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट, राइट हैंड साइड इज क्रेडिट। क्रेडिट साइड में यू हैव टू बिगिन विद द प्रॉफिट, यदि प्रॉफिट दिया है तो वो क्रेडिट साइड में आएगा। उसके अलावा एक चीज ही और आती है इसके क्रेडिट साइड में, यदि क्वेश्चन में दिए है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो यहां पर आएगा क्रेडिट। बाकी डेबिट में पार्टनर्स को देने वाली जितनी भी चीजें हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया जाता है वो आएगा डेबिट में, सैलरी कमीशन यदि देना है पार्टनर को तो आएगा डेबिट में, और जो रिमेनिंग प्रॉफिट है जिसको आपको बांटना है सभी पार्टनर्स के बीच में वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में।